रायबरेली भी दिल्ली भी 2014 भी चुनावों के मद्देनजर भी और तमाम ये सवाल तो इस बजट पर उठ ही रहे हैं यहाँ पर, लेकिन एक बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि किराए सीधे तौर पर भले ही नहीं बढ़ाए हो, इस रेल बजट में किरायों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन घुमा फिराकर बैकडोर से पीछे के दरवाजे से सरचार्ज लगाकर किराए जरूर बढ़ाए गए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस रेल बजट की खास बातें अपने दर्शकों को बता दें कि वो कौन सी चीजें। रेल किरायों में कोई बढ़ोतरी इस रेल बजट में पवन बंसल ने नहीं की है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही आती है कि रेल किरायों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मतलब साफ तौर पर यह हुआ कि आपको कोई किराया बढ़ा हुआ नहीं देना होगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह होगी कि जो सरचार्ज लगाया जाएगा, साल में दो बार वो सरचार्ज तय होगा। फ्यूल यानी कि तेल की कीमतें और जो ईंधन की कीमतें हैं उस कीमतों को देखते हुए ये तय किया जाएगा और उसके बाद ये होगा कि वो कैसा किराया बढ़ता है, यानी कि बैकडोर से किराया बढ़ सकता है, लेकिन सीधे तौर पर जब आप टिकट लेने जाएंगे तो किराया नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात, ईंधन पर सरचार्ज की जो हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको सरचार्ज देना होगा, तो जाहिर सी बात है वो आपके टिकट पर लग कर आएगा। मतलब ये हुआ कि साल में दो बार ये तय होगा कि वो सरचार्ज कितना हो। तीसरी बात यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि सरचार्ज बढ़ाने और घटाने का जो फैसला होगा साल में दो बार लिया जाएगा, यानी कि अगर ईंधन के दाम बढ़ते हैं और साल में दो बार वो फैसला लिया जाता है तो दो बार किराया बढ़ सकता है। सीधे तौर पर बिल्कुल नहीं, लेकिन बैकडोर से वो किराया बढ़ सकता है। 22 नई लाइनों का प्रस्ताव किया गया है, ये नई लाइनें होंगी जिन्हें बनाया जाएगा और जहां पर 22 नई लाइनों पर ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो वो ट्रेनें कितने होंगी, कितनी पैसेंजर्स ट्रेन होंगी, कितनी एक्सप्रेस ट्रेनें होंगी, उसमें किस तरह की सुविधाएं आपको मिलेंगी, 67 यानी कि 67 नई ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव रखा है रेल मंत्री पवन बंसल ने। हम आपको रूट्स भी बताएंगे। 27 पैसेंजर्स ट्रेन होंगी जो नई ट्रेनें अगले बजट यानी कि जो बजट आज पेश किया गया है उसमें प्रस्ताव है, तो ये नई ट्रेनें 27 पैसेंजर्स ट्रेन चलेंगी। 5 EMU और 8 DMU ट्रेनें चलाने का ऐलान भी यहां पर पवन बंसल ने किया गया है। लेकिन मुंबई में 72 जो मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है लोकल ट्रेन, वहां पर 72 नई लोकल ट्रेन चलाई जाएंगी, यानी कि मुंबई में थोड़ा सा लोगों को तकलीफ जो लगातार होती है उससे राहत देने का यहां पर प्रस्ताव रेल मंत्री पवन बंसल ने जरूर किया है। कोलकाता में 18 नई लोकल ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुंबई के बाद कोलकाता में लोकल ट्रेन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा फायदा कोलकाता के लोगों को यहां पर होने जा रहा है। लेकिन यहां पर जो एक आपकी हमारी जेब पर असर डालने वाली बात है वो तत्काल और रिजर्वेशन जब हम आपको करवाएंगे तो वो तत्काल टिकट महंगा हो गया है। किराया बिल्कुल नहीं बढ़ा है लेकिन तत्काल महंगा कर दिया गया है, रिजर्वेशन महंगा कर दिया गया है। अगर आप टिकट लेते हैं और उस टिकट को कैंसिल करवाते हैं तो वो भी आपको ज्यादा पैसे अब आपके कटेंगे, यानी कि वहां भी महंगाई आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और ले देकर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सीधे सीधे असर आपकी जेब पर जरूर पड़ेगा। वाटर बॉटलिंग प्लांट यानी कि नीर, जो रेलवे का नीर एक पानी सप्लाई करती है रेल, वो उसके नए बॉटलिंग प्लांट लगाए जाएंगे 6, यानी कि नीर पानी जो नीर नाम से जो पानी बिकता है रेलवे में वो आपको और मिलेगा। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बातें हैं, साफ सफाई का ध्यान रखा गया है, RPF में महिलाओं की तादाद बढ़ाने की बात की गई है, RPF में महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात की गई है ताकि महिलाओं की सुरक्षा को रेलवे में और पुख्ता किया जा सके, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। किन इलाकों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, जाहिर सी बात है रेल मंत्री पवन बंसल अगर पंजाब से आते हैं तो पंजाब में बहुत सारी ट्रेनों की सौगात भी दी गई है। जिस तरह से अगर हम इतिहास में जाके तो जो भी रेल मंत्री हैं वो अपने इलाकों को अपने राज्यों को सुविधाएं लगातार देते रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि ये बजट बहुत बुरा नहीं है तो बहुत अच्छा भी नहीं है। राहत की बात सिर्फ एक है कि रेल किरायों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन तत्काल महंगा। उसके अलावा प्रसून हम आपको बता दें कि अगर सरचार्ज बढ़ाया जाएगा तो उसका जो असर है सीधे सीधे वो आप और हम पर यानी कि इस देश के उपभोक्ता पर, रेल यात्रियों पर पड़ेगा। तो रेल मंत्री पवन बंसल ने बजट तो पेश कर दिया है, कोई इसे जन विरोधी बता रहा है तो कोई इसे रायबरेली का बजट बता रहा है, लेकिन एक बात तो है
इस बार रेलवे किरायों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सरचार्ज आप पर लगेंगे। रिजर्वेशन चार्ज महंगा हो चुका है, तत्काल महंगा हो चुका है, तो सीधे सीधे महंगाई तो आप पर असर जरूर डालेगी। बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे लक्ष्य रेल मंत्री पवन बंसल के सामने हो सकते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव उनके जहन में जरूर होगा, लेकिन इस बजट की खास बातें क्या हैं? सबसे बड़ी, सबसे पहली, सबसे जरूरी बात जो है कि वो रेल किरायों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी रेल मंत्री पवन बंसल ने नहीं की है। अब कोई भी टिकट आप लेंगे उसमें कोई बढ़ा हुआ किराया आपको नहीं देना पड़ेगा, पहली बात। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पैसा ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, पैसा आपको जरूर देना पड़ेगा। देखिए, सरचार्ज लगाया गया है ईंधन पर, और ईंधन पर सरचार्ज लगेगा, साल में दो बार उसकी समीक्षा होगी, दो बार वो तय होगा, और अगर साल में दो बार ईंधन की कीमत बढ़ती है तो जाहिर सी बात है आपका टिकट वहां पर महंगा होगा। क्या हम बता दें आपको, तो दो बार ये फैसला किया जाएगा साल में कि ईंधन कितना बढ़ा है और उसके हिसाब से कितना सरचार्ज लगाया जाए। तीसरी बात, 22 नई रेल लाइनों का प्रस्ताव रेल मंत्री पवन बंसल ने किया है, तो 22 नई रेल लाइनें बनेंगी, उनका रखरखाव कैसे होगा, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी, क्या वो वाकई जो लक्ष्य है आपका, जो आपने निर्धारित समय किया है, उसमें आप कामयाब हो पाएंगे बना पाने में। 67 नई ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव यहां पर किया गया है, और ये एक्सप्रेस ट्रेनें होंगी 27 इसके अलावा, एक्सप्रेस के अलावा 27 पैसेंजर्स ट्रेन भी चलाई जाएंगी। तो ये प्रस्ताव है और ये नई ट्रेनें आपको, हमें, इस देश की जनता को मिलेंगी। लेकिन यहां पर अहम बात यह है कि वो किस राज्य को ज्यादा मिलती है। कहा यह जा रहा है कि पंजाब को ज्यादा मिली है। 5 EMU और 8 DMU ट्रेनों का ऐलान भी रेल मंत्री पवन बंसल ने यहां पर किया है। मुंबई के लिए, मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है लोकल ट्रेन, और 72 नई लोकल ट्रेनें मुंबई में चलाई जाएंगी। तो जाहिर सी बात है मुंबई वासियों को थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी, जिस तरह से भीड़ होती है मुंबई की ट्रेनों में, लोकल ट्रेन में खास तौर से। वहां पर कोलकाता में 18 नई लोकल ट्रेनें और चलेंगी। कोलकाता में भी ट्रेन सफर का एक बहुत आसान और अहम जरिया है, तो कोलकाता में भी फायदा मिलेगा। लेकिन जो मार पड़ी है बैकडोर से, पीछे से, यानी कि चोरी चोरी, चुपके चुपके रेल मंत्री ने आप पर जो भार और जो बोझ डालने की कोशिश की है, वो रिजर्वेशन के चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। सुपरफास्ट टिकट आप जब लेंगे तो उसे चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं, और टिकट कैंसिल करवाने अगर आप जाते हैं तो अभी तक बहुत नॉमिनल, अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है और अगर आप टिकट कैंसिल करवाने जाते हैं वो कैंसिल होता है तो सिर्फ 20 रुपए करते थे, लेकिन अब ये पैसा ज्यादा आपको देना होगा, यानी कि कैंसिलेशन चार्जेस ज्यादा हो गए हैं। 6 नए रेल वाटर बॉटलिंग प्लांट लगाए जाएंगे। रेल में जब आप सफर करते हैं तो आपको मिनरल वाटर मिलता है नीर के नाम से, 6 उसके नए प्लांट्स लगाए जाएंगे, तो पानी की सुविधा अगर ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं तो खाने के साथ आपको ज्यादा मिलेगी। एक और अहम बात यहां पर कि महिलाओं की सुरक्षा का क्या, महिलाओं की सुरक्षा के लिए RPF में महिलाओं की तादाद को बढ़ाने का फैसला किया गया है, और उसके लिए 10% आरक्षण RPF में महिलाओं को दिया जाएगा, यानी कि 10% अब RPF में अगर महिलाएं होंगी तो जाहिर सी बात है महिलाओं को सुरक्षा भी मिलेगी और महिलाएं कॉन्फिडेंट भी होंगी जब वो ट्रेन में सफर कर रही होंगी। तो ज्यादा सुविधाओं के लिए यहां पर एक और चीज हम आपको बता दें कि ज्यादा सुविधाओं के लिए जन्मभूमि, चुनिंदा ट्रेनों में वाईफाई सुविधा भी दी गई है। अगर आप अपना लैपटॉप कैरी करते हैं, साथ में लेकर चलते हैं, तो वाईफाई की सुविधा वहां पर दी गई है, जिसके लिए कोई पैसा अब आपको नहीं देना होगा। लेकिन ये हर ट्रेन में नहीं होगा, ये बहुत ही चुनिंदा ट्रेन्स में होगा। बायो टॉयलेट की तादाद बढ़ाई जाएगी, यानी कि साफ सफाई का ख्याल रखा गया है। बहुत ज्यादा परेशानी होती है खासतौर से सफाई को लेकर, तो थोड़ा सा ध्यान उसका रखा गया है, देखना होगा कि ये कैसे होता है, कहाँ होता है। अगर हम आपको बताएं 1700 से ज्यादा ऐसी क्रॉसिंग्स जहां पर कोई चौकीदार नहीं है और बहुत ज्यादा हादसे होते हैं, ट्रेन गुजरती है वहां से, बसेस आ जाती हैं, दूसरे निजी वाहन आ जाते हैं, वो पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। ये सुरक्षा व्यवस्था में एक अहम कदम इसे माना जा सकता है। तो आधार कार्ड, जो आपका आइडेंटिफिकेशन लैंडमार्क है आधार कार्ड, उसे आधार बनाकर टिकट अब दिए जाएंगे, यानी कि आधार का इस्तेमाल यहां पर टिकट के लिए भी किया जाएगा। एक और अहम बात यहां पर हम आपको बता दें कि ई टिकट की नई सेवा भी शुरू की जाएगी, यानी कि अब आप अपने सेलफोन से, मोबाइल फोन से भी टिकट बुक करवा सकेंगे, और ये टिकट से जुड़ी सभी जानकारियां
अब आपको अपने SMS पर मिल जाएंगी। हालांकि पहले भी मिला करती थी, लेकिन अब और ज्यादा उसे बेहतर बनाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तो महिलाओं की सुरक्षा की बात हुई है, RPF में 10% आरक्षण काफी अहम यहाँ पर माना जा रहा है। मणिपुर को जोड़ने के लिए एक नई रेल लाइन नॉर्थ ईस्ट, जो कि थोड़ा सा कटा हुआ माना जाता है, पहाड़ी इलाका है, तो उस इलाके को जोड़ने के लिए और खास तौर से मणिपुर को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने के लिए नई लाइनें चलाई जाएंगी। और बेहतर धुलाई के लिए लॉन्ड्री, 8 से 10 बड़ी लॉन्ड्री की व्यवस्था की जाएगी। अगर ट्रेन में आप सफर करते हैं तो वहां पर जो आपको कंबल और दूसरी बेडशीट वगैरह प्रोवाइड मुहैया करवाई जाती हैं, उसके लिए यहां पर इंतजाम किया गया है। सीनियर सिटीजन्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए 400 स्टेशंस की ऐसी लिस्ट बनाई गई है जहां उन्हें फायदा मिलेगा, जहां उन्हें टिकट और दूसरी चीजें उनको सुविधाएं मिलेंगी। आजादी एक्सप्रेस ये पर्यटकों के लिए है, और खासतौर से आजादी एक्सप्रेस जो नई ट्रेन चलेगी उसे देश के तीर्थ स्थलों से जोड़ा जाएगा। और हालांकि अभी इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि वो कौन से तीर्थ स्थल होंगे जिन पर या जिन्हें जोड़ते हुए आजादी एक्सप्रेस नाम की ये ट्रेन चलेगी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पर्यटकों के लिए ये ट्रेन काफी अहम होगी और वो देश भर के अहम जो तीर्थ स्थल हैं उनसे उन्हें जोड़ा जाएगा। सबसे अहम सबसे बड़ी बात ये कि रेल मंत्री पवन बंसल ने इस बार रेल किरायों में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन रिजर्वेशन चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं, फ्यूल सरचार्ज लगाने की बात कर दी गई है जिसका 2 बार ऐलान भी किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है समीक्षा की जाएगी, और अगर 2 बार बढ़ते हैं तो सीधे सीधे वो असर आपकी जेब पर पड़ेगा। ये कह सकते हैं कि घुमा फिरा कर सीधे तौर पर नहीं, लेकिन आपसे ज्यादा पैसे वसूलने की तैयारी कर ली गई है। 2014 चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसा बजट पेश किया गया है जो बुरा भी ना लगे और जो आप पर मार भी कर सके, आपकी जेब से पैसा चुरा भी सके।